हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है गणेश चतुर्थी दिन। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे चॉकलेट मोदक। तो जी, सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट की फिलिंग। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है 1 टेबल स्पून घी। घी देखिए मेल्ट हो गया, हल्का सा गर्म हो गया। तब डालेंगे 1/3 कप ऑफ ग्रेटेड खोपरा। तो यहाँ पर अब हमने डालना है 1 टेबल स्पून चॉप्ड आलमंड्स, कैश्यू 1 टेबल स्पून चॉप किए हुए, पिस्ताचियो लिया है मैंने 1 टेबल स्पून चॉप किए हुए। और अभी इन सारी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से खुशबू आने तक, अच्छा सा कलर आने तक। और आप ड्राई फ्रूट्स ना आपकी पसंद है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ देखिए अच्छी सी खुशबू भी आ गई है। और यहाँ पर डालेंगे 2 टेबल स्पून शुगर, 2 बड़ी चुटकी मैंने इलायची पाउडर लिया है। सारी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ पर अच्छी सी बाइंडिंग लाने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे दूध 2 टेबल स्पून के करीब में। और फिर इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए पकाना है, जब तक कि सारा शुगर अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाता और सारा मिल्क अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, बाइंडिंग नहीं आ जाती। ये देखिए इस तरह से अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है, सारा शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया और दूध भी ड्राई हो गया। तो मैंने गैस को बंद कर दिया, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिलिंग रेडी हो गई हमारी, साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब जी हम करेंगे चॉकलेट को मेल्ट। तो यहाँ पर आप माइक्रोवेव में कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव ना हो तो यहाँ पर देखिए मैंने भगोने में पानी लिया है, थोड़ा कम लिया है। ऊपर से यहाँ पर मैंने एक प्लेट में वाइट कंपाउंड लिया है 200 ग्राम्स। और यहाँ पर पानी इसलिए कम लिया है ताकि ये हमारे प्लेट के नीचे की सर्फेस को टच ना करे, अदरवाइज़ क्या होता है ना, चॉकलेट सीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी अभी उबल रहे थे तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। इसे आपको हीट के ऊपर मेल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पानी इतना गर्म है कि ये इसी के साथ ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर देखिए कोई भी चंक्स नहीं है, हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो बस यहाँ पर फौरन से हमने पानी के ऊपर से इसे हटा लेना है। और यहाँ पर मैंने देखिए मोदक शेप चॉकलेट बनाने के लिए मैंने इस तरह से मोल्ड लिए हैं प्लास्टिक के, बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं। अगर आप प्रोफेशनली कोई वर्क नहीं कर रहे हो, घर पर आपको सिर्फ बनाना है, तो ये वाले बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, 20 रुपीज़ के मिल जाते हैं। तो आप ये वाला डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इसमें हमने डाल देना ये मेल्टेड चॉकलेट जो हमने मेल्ट करके रखा था, पूरा अच्छे से फिल करेंगे इस तरह से 2-3 बार टैप करेंगे ताकि कुछ भी एयर बबल्स वगैरह हो वो निकल जाए, मतलब इसमें ना रहे और अच्छे से हमारा इवन लेयर आए शेल में। तो इस तरह से देखिए इसे थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड के लिए हमने स्टे करना है ताकि हमारा एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए चॉकलेट शेल का, पूरा जो मोल्ड हमने बना रहा है देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छे से चारों ओर अच्छे से बिल्कुल वाइट कंपाउंड हमारा लग गया है, पूरा अच्छे से खूबसूरत सा हमारा एक शेल रेडी हुआ है कि कहीं पर कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमने शीट के ऊपर से इस तरह से स्क्रेप करके हटा लेना है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और बस इस तरह से देखिए अंदर में देखिए जो भी हमारे थोड़ा से मेल्टेड चॉकलेट है ना, इसे हमने एजेस पे इस तरह से घुमा घुमा करके थोड़ा सा लगाना है ताकि हमारे एजेस भी हमारे अच्छे से इवन हो, थोड़े से थिक बने ताकि वो हमारे टूटे नहीं बाद में जब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से चारों ओर घुमा घुमा करके अच्छे से मैंने इसे लगा लिया है। ये हमारा शेल का पहला कोटिंग रेडी है। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं निकाल लूँगी और इसे अभी हमने रख देना है फ्रीज में सेट होने के लिए। तो मैं इसे फ्रीज में नहीं रख करके ना फ्रीज़र में रखती हूँ, तो 1 मिनट के अंदर ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं। और जी बस 1 मिनट हुए होंगे, 1 से 2 मिनट के करीब में इसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो फ़ौरन से सेट हो गया। ये हमारा पहला कोटिंग शेल का रेडी है। तो अभी हमने इसके ऊपर ना थोड़ा सा थिक बनाने के लिए तो यहाँ पर दूसरी कोटिंग डालनी है। तो देखिए चॉकलेट अभी मेल्टेड फॉर्म में है, इसे इस तरह से अच्छे से हमने फटाफट से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बस इसे चलिए वापस से हमने मोल्ड के अंदर डालना है, तो सारे मोल्ड के अंदर हम फिर से फिल करेंगे। और यहाँ देखिए इसे मैंने फिर से इस तरह से फिल कर लिया, थोड़ा सा टैप कर लेंगे अच्छे से ताकि जो भी एयर बबल्स हो निकल जाए। और फिर इसे हमने थोड़ा सा इसे स्टे करना है जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, और फिर इस तरह से हमने देखिए पलट लेना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट हो वो हमारे प्लेट में आ जाए और इसके ऊपर एक अच्छी सी शेल की एक पूरी लेयर लग जाए, हमारी दूसरी कोटिंग लग जाए। तो ये देखिए ये हमारा दूसरी कोटिंग इसके ऊपर लग गया है। तो बस इस तरह से देखिए चारों ओर घुमा घुमा करके मैंने इसके पूरे एजेस और कॉर्नर पर पहले के जैसा लगा लिया है और ये हमारा रेडी हो गया। और देखिए यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा हमारा पूरा कोटिंग आया है, कहीं पर कुछ भी खाली नहीं है। तो बस चलिए इसे वापस से फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए।
ऐसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, तो 1.5 मिनट बाद मैं फिर से इसे निकाल रही हूँ तो ये अच्छे से सेट हो गया हमारा चॉकलेट। और देखिए कितने आराम से ये डीम मोल्ड हो जाता है, कितना प्यारा शेप आया ना मोदक का। तो बस चलिए इसी तरह से मैं सारे को निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा शेल रेडी हो गया है सारा। तो बस निकालते जाइए, रखते जाइए साइड पर, और इस तरह से देखिए पलट करके आप इसे थोड़ा सा टैप करेंगे ना तो ये आराम से अपने आप निकल जाते हैं सारे। तो ये देखिए हमारा सारा निकल गया। और जी यहाँ जो हमने शेल बनाया था अब इसके अंदर हमने फिलिंग डालना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने फिलिंग बना के रखी थी ना, थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और इसके देखिए इस तरह से जो सेंटर में जगह खाली है ना, इसके बीच में हमने इस तरह से फिल कर देना है। बहुत ज़्यादा भर भर कर नहीं करेंगे, अदरवाइज वो फिर एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए मैंने सारे में फिल कर लेना है इस तरह से। और यहाँ देखिए मैंने सारे शेल में अच्छे से फिल कर लिए हैं अपनी फिलिंग को। और अब चलिए इसको चिपकाने की बारी है। तो देखिए ये जो हमारा चॉकलेट थी ना, ये अभी भी थोड़ा सा मेल्टेड फॉर्म में है, तो इस तरह से देखिए इसके एजेस पे हमने इस तरह से लगाना है। आप चाहे तो इसे तवे के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने फिलिंग डाली है ना, फिर वो तवे भी चिपकता है। तो इससे अच्छा है कि ये मेथड आप अपनाइए तो आपके बिल्कुल भी फिलिंग ख़राब नहीं होगी और चॉकलेट भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए मैंने सारे एजेस पर इस तरह से मेल्टेड चॉकलेट लगा लिया। दूसरा शेल उठा के इस तरह से बस हमने चिपका देना है, बहुत ही अच्छी तरीके ये चिपक जाते हैं। और बस देखिए हमारा प्यारा समोदक बनकर तैयार है। बस इसी तरह से सारी को रेडी कर लेते हैं हम। और बस यहाँ पर देखिए ये हमारे सारे मोदक बनकर रेडी हैं। तो बस इसकी खूबसूरती थोड़े से और बढ़ाने के लिए इस पर हमने थोड़ा सा ग्लिटर डस्ट डाल देना है, ठीक है। ग्लिटर डस्ट जो स्प्रे वाले आते हैं वो भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है। मेरे पास नहीं है, वो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं ना, ये 30 रुपीज़ के आराम से आपको मिल जाते हैं। तो बस वही मैंने लिया है और इस तरह से थोड़ा सा ब्रश की मदद से मैं इसके ऊपर लगा लूँगी ताकि इसकी खूबसूरती थोड़ी सी और बढ़ जाए। फेस्टिव का सीज़न है तो मिठाई भी फेस्टिव की तरह होना चाहिए ना, थोड़े से ग्लिटरी ग्लिटरी प्यारे प्यारे से तो खूबसूरत लगता है दिखने में। तो बस इस तरह से देखिए मैंने सारे के ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्लिटर लगा लिया है। अब जी इसकी खूबसूरती थोड़ी और बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से देखिए मेल्टेड चॉकलेट को हमने इसके टिप पे लगाया और इसके ऊपर हम लगा लेंगे ये बीड्स, जो शुगर बीड्स आते हैं ना केक के ऊपर जो हम स्प्रिंकलर्स लगाते हैं, वो वाली बीड्स मैंने लगा दी है। और ये कितना प्यारा लग रहा है, चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही अमेजिंग से बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा। वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।